वेलकम बैक टू तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एनरिक नॉर्खिया के बारे में, ऋषभ पंत की इंजरी अपडेट के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में और बहुत कुछ। आपको आज की इस वीडियो में वीडियो कंटेंट जरूर देखना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सबसे पहले हम बात करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट ने रिसेंटली ट्वीट किया था इंट्रोड्यूसिंग द न्यू नंबर वन रैंक साइड ऑन द आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग्स। तो गाइस उन्हें पाकिस्तान को कांग्रेट्स कहा है, पाकिस्तान अब ओडीआई की नंबर वन टीम बन चुकी है। देन एक और ट्वीट सामने आया था, पाकिस्तान बिकम्स नंबर वन इन द आईसीसी ओडीआई रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो गाइस हिस्ट्री में पाकिस्तान आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पहली बार टॉप पर आई है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट वाली बात है। नेक्स्ट बात करने वाले ऋषभ पंत के बारे में। तो ऋषभ पंत ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर किया, वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट किया था हैप्पी नो मोर क्रिचर्स डे, दिस विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन्स फेस वेटिंग फॉर द रिटर्न फॉर पंत। तो इस वीडियो में आपने देखा कि ऋषभ पंत बिना स्टिक के अब चल पा रहे हैं, बहुत ही जल्द शायद टीम इंडिया में कमबैक कर सकते हैं, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। नेक्स्ट हम बात करने वाले इंग्लैंड के वुमेन क्रिकेटर कैथरीन ब्रंट के बारे में। सोफी एलेक्सटन ने ट्वीट शेयर किया था थैंक यू कैथरीन, माय आइडियल ग्रोइंग अप एंड देन एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी ऑन द सेम टीम एज यू रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। देन फीमेल क्रिकेट ने ट्वीट किया था येट अनदर रिटायरमेंट, कैथरीन सीवर ब्रंट अनाउंसेस हर रिटायरमेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। सो फाइनली गाइस कैथरीन सीवर ब्रंट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर लेने का डिसीजन ले लिया है। ये एक बहुत अच्छी बैट्समैन एंड बॉलर भी रह चुकी है अपनी टीम के लिए। एंड लास्ट हम बात करने वाले एनरिक नॉर्खिया के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स ने ट्वीट शेयर किया था ओइंग टू अ पर्सनल इमरजेंसी दिल्ली कैपिटल्स फास्ट बॉलर एनरिक नॉर्खिया हैड टू लीव फॉर साउथ अफ्रीका लेट ऑन फ्राइडे नाइट, ही विल बी अनअवेलेबल फॉर दिस इवनिंग्स गेम अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सो गाइस एक ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर कर दिया दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कि एनरिक नॉर्खिया कुछ पर्सनल इमरजेंसी रीजन की वजह से टीम को छोड़ रहे हैं, जिस चलते वो बैंगलोर के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे, तेन वो शायद कुछ दिनों के बाद अवेलेबल हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। एंड लास्ट बात करने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को लेकर के। सो गाइस एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन अहमदाबाद, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई, मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान मैचेस इन बेंगलुरु एंड चेन्नई, 500 करोड़ टू अपग्रेड स्टेडियम। सो इस साल के 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है, जिसके चलते पाकिस्तान ने पहले इंडिया ने से मना कर दिया था। देन गाइस ये न्यूज़ के सामने आ रही है कि पाकिस्तान अगर इंडिया आती है तो संभावना है कि सारे मैचेस जो है वो बेंगलुरु और चेन्नई में शिफ्ट कर दिए जाएंगे और इन स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है ताकि स्टेडियम को अपग्रेड कर सके, देन सिक्योरिटी और टाइट कर सके। सो गाइस इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो ही वर्ल्ड कप रोमांचक हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।